बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। ऐसे जज्बात के साथ हमारे सामने हाजिर है चित्रा देसाई। माननीय मंच और सभागृह में बैठे बहुत ही प्रतिष्ठित और माननीय रचनाकार सबको नमस्कार, इस देवभूमि को प्रणाम। सबसे पहले धरती वंदना। पद्मा जी, नरेश जी, कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? बीज रोपे तो पेड़ ना दे, बीज रोपे तो पेड़ ना दे, कुदाली से खोदे तो पानी ना दे, बादल ना बरसे सागर ना बने, इसके भीतर का महासागर और देह का जंगल इसके भीतर ही सिमट जाए तो कैसा हो? ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ, ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ, पाँव के नीचे से अंजुली भर मुट्ठी माथे से लगा लेती हूँ। कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं होने देता, कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? धरती का ही एक छोटा सा दूसरा रूप। मैंने भागती रेल से धरती देखी, मुझे बिल्कुल आदमी सी लगी। मैंने भागती रेल से धरती देखी, मुझे बिल्कुल आदमी सी लगी, कहीं विराट कहीं धसी हुई, कहीं सपाट पड़ा बंजर चेहरे की किसी लकीर में, कहीं सूखा दरख्त इधर, कहीं टीलों पर पांव रख आसमान छूती, कहीं घाटी में गिर पहचान खोती। मैंने भागती रेल से धरती देखी, मुझे बिल्कुल आदमी सी लगी। एक कविता निरंतर हमेशा कहते हैं कि पहले ये था वो था। मुझे लगता है संवेदना हर काल में एक जैसी ही रहती है, उसी पृष्ठभूमि पे निरंतर। कहां कुछ बदलता है, कहां कुछ बदलता है, ना युद्ध का उद्घोष ना जीत पर लहराती पताका, मृत्यु के बाद भी बचती कड़वाहट सारे वाद विवाद, कहां कुछ बदलता है। पतझड़ में सूखी पत्तियों का ढेर, आंधी में उखड़ते वृक्ष, फूल पर शहद की उपस्थिति, धतूरे में जहर, कहां कुछ बदलता है। पहली सदी में भी राजा के आने से लौटती थी रानी की हंसी, पहली सदी में भी राजा के आने से लौटती थी रानी की हंसी, आज भी जाते देख हिचक उठता है गले का रुदन, कहां कुछ बदलता है। सीता के स्वयंवर में चिंतित बैठा जनक, क्यों नहीं टूटता धनुष, या गांव की देहरी पर अटकी सांस, क्यों नहीं आती बारात, कहां कुछ बदलता है। नदी का मीठापन, समुद्र का नमक, आकाश में छितराए बादल, बूंदों से भीगी धरती, चट्टान का सोनापन, और तुम्हें देख आंखों में उतरती आस, देह में होती सिहरन, कहां कुछ बदलता है। और आखिर में इसकी दो पंक्तियां रंजीता ने कही, उसी वही कविता को आजकल मैं मन का करती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को कॉपी के बड़े मग से और रूह को फैज की नज़मों से सीखती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ, सरसों का साग बथुए की रोटी कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ, अपनी खिड़की पर गमलों में बसी खेती को पानी से सींचती हूँ, शाम को आबादी से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ, कभी दोपहर में दोस्तों का हाथ पकड़ अपनी गली मोहल्ले की बातों से निपटती हूँ,
बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। सांझ ढले अपने गांव की मिट्टी को दूर से ही सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नजमों से सीखती हूँ। आजकल मन का करती हूँ। बहुत बहुत आभार।